दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट को एक और नया मजेदार टास्क दे दिया है। जी हां दोस्तों, घर के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी चल रही थी, जहां पर पहले तो अमित टंडन घर के अंदर आए थे और घर वालों के साथ काफ़ी जोक वगैरह किया था, काफ़ी मस्ती वगैरह की थी और घर वालों को गुदगुदाया था। लेकिन दोस्तों अब जो है यहां पर बिग बॉस ने घर वालों को ही ये टास्क दे दिया है। जी हां दोस्तों, घर वालों को कहा गया है कि जिस तरीके से अमित ने आप सबको गुदगुदाया है, अब उसी तरीके से आप सबको भी एक दूसरे के ऊपर जोक मारना होगा, रोस्टिंग करनी होगी। जिस तरीके से आप मस्ती करते हैं, यहां आकर दर्शकों को गुदगुदाएंगे और इस चीज़ में तो आप काफ़ी माहिर है, क्योंकि आप फिनाले तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा है आप सभी का और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये काम बखूबी निभाएंगे। खैर दोस्तों, अब क्या होता है, किस तरीके से ये टास्क होगा घर के अंदर, ये तो मज़ेदार होगा देखना। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एल्विस भाई है, फुकरा इंसान है, ये दोनों काफ़ी अच्छी रोस्टिंग करते हैं। आपने बीती रात को भी घर के अंदर टास्क के दौरान देखा होगा कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर स्पॉन्सर टास्क में मस्ती कर रहे थे और ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस टास्क के दौरान एक बार फिर से दोनों का जो तड़का है वो हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि फुकरा इंसान थोड़े से मायूस ज़रूर है, क्योंकि फुकरा इंसान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप इन फोटोज़ को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय फुकरा इंसान के चेहरे से ही साफ पता चल रहा है कि वो काफ़ी वीक से फील कर रहे हैं। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि टास्क में एक बार फिर से फुकरा इंसान अपने परफॉर्मेंस के दम पर अपनी खुद की तबीयत भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा एनर्जी दिखाएंगे तो हो सकता है कि उनकी बीमारी भी है ना छूमंतर हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों आप इस टास्क को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।